अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम उन पे जाएं, ये बता दीजिए, आजकल हीट स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या करना क्या चाहिए, हाइड्रेशन के लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ पानी पीना चाहिए, यू नो हमको रहना चाहिए, गर्मी से बचना चाहिए, क्या करना चाहिए? वैसे बेसिकली हम डेंटिस्ट, लेकिन अगर न्यूट्रिशनिस्ट के हवाले से सवाल करें तो यही एक वो बेहतर ज़्यादा बताएंगे। बट एज अ डॉक्टर आई कैन से कि हाइड्रेशन रखने के लिए पानी बहुत पिए, ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें पानी है, लाइक तरबूज, जो मौसमी फल है अल्लाह ताला ने दिए। सही है कि तरबूज के साथ अगर आप पानी पिए तो उससे हैजा हो जाता है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तरबूज का शरबत पीते हैं लोग तो उससे ऑलरेडी इतना पानी होता है। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पानी तो आप जितना पिए, जितना अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा बॉडी में तो वो यूरिन के थ्रू आपका पास आउट हो जाएगा। तो ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं कुछ। ओके, और नींबू पानी साहिर भाई, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो तरबूज के साथ पानी पीते हैं, कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं होता, सुना मैंने। ये सब हमारे दिमाग में बैठी बातें कि नहीं हम ये मछली के साथ दूध पी लेंगे तो ये हो जाएगा, जबकि सिर्फ वो एक जो आजकल गर्मी है उसके हवाले से। अच्छा, हीट स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है, ये मत समझें। अभी आई वाज रीडिंग, आई थिंक कहीं पर पढ़ रहा था मैं, शाहरुख खान गॉट हीट स्ट्रोक। तो ऐसे नहीं है कि जिनके पास पैसा नहीं है उनको हीट स्ट्रोक, पैसा है किसी के साथ हो सकता है। सो प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेट रखें, स्पेशली मैंने आपको बताया था जब आपके बुजुर्ग या बच्चे, वो प्लीज़ उनका बहुत खास ख्याल रखें। उनको पानी की बोतल दें जब वो वहाँ से निकलें, उनके मोबाइल का बैलेंस चेक कर लें कि उसमें मोबाइल में कोई इमरजेंसी हो जाती है, मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए। उनके मोबाइल का जो पासवर्ड है उसको अनलॉक कर दें, उनका आईडी कार्ड चेक करें कि वो वहाँ, अगर वो अकेले जा रहे हैं, इमरजेंसी नंबर ज़रूर रखें फ़ोन में। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि आपको बुजुर्ग, और जब बच्चों को खासतौर पर, क्योंकि आपको नहीं पता चलता, बच्चा जो होता है वो खेलता रहता है, मुसलसल खेलता रहता है वो, तो थैंक यू, तो मुसलसल वो खेलता रहता है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद बच्चे को आप ज़रूर पानी का ज़रूर पूछें। अच्छा, सडन चेंज इन टेम्परेचर वो भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर आप गर्मी से आए हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, देन गो एंड टेक शावर। और इसी तरह से ये याद रखिए कि अगर आपको हीट स्ट्रोक की अलामत आने लगें, यानी आपको ऐसा लगने लगे, बल्कि मैं यहाँ पर चला जाता हूँ ना, हीट स्ट्रोक की अलामत क्या हैं देखिए, कौन कौन मुतासर हो सकता है हीट स्ट्रोक से, मजदूर, खिलाड़ी, बच्चे, बुजुर्ग, यानी कि हर आदमी मुतासर हो सकता है हीट स्ट्रोक से। कैफियत और अलामत क्या हैं, बेहोश हो जाना, चक्कर आना, शदीद प्यास लगना, उल्टी या मतली आना, गर्म सुर्ख व खुश्क जल्द का हो जाना, पसीने का ना आना, ये याद रखिएगा, पसीने का ना आना, यही स्ट्रोक की अलामतों में है। एहतियाती तदाबीर क्या है, इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें, गर्म मशरूब यानी टी कॉफ़ी से थोड़ा सा परहेज़ कर लें, ठंडे पानी से गुसल करें। अगर आप उन लकी लोगों में से हैं जिनके पास, जिनके घर में पानी आ रहा है, तो प्लीज़ आप ज़रूर ठंडे पानी से गुसल करें, भी गर्म ही आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली, गर्मी से बचें, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, देर इज नो हार्म इन इट, और प्लीज़ मेक श्योर कि सनस्क्रीन को आप इस्तेमाल करें, अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर सकते हैं, सनस्क्रीन करते हैं, पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब आई नो अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार बहुत एक्सपेंसिव होता है, हम जूसेस वो नहीं ले सकते, ख़रीद नहीं सकते, प्लीज़ अपनी सेहत पे आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हम जहाँ इतनी बहुत सारी बातें करते हैं, वहाँ थोड़ा सा एक 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये अपनी सेहत पर अगर लगा लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्लस मैं आपको बता रहा हूँ कि मिंट जो पुदीना होता है उसका आप शरबत बना सकते हैं, मिंट का, और मिंट इज़ अमेजिंग। पानी के अंदर ठंडे पानी का जग लें, उसके अंदर मिंट लीव्स डालें, थोड़ा सा आप लेमन जो है वो डाल दें, और ये आपका बेहतरीन मशरूब बन जाएगा, इससे आप हीट स्ट्रोक से बच सकेंगे। एंड आल्सो कीप अ वेट टॉवल विद योरसेल्फ व्हेन यू गो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, अब ये देख लीजिए कि हीट स्ट्रोक जो होता है वो मैंने आपको सारा बता दिया था, याद रखिएगा, इसकी अलामतों में जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, आपको थकावट फील होने लगती है, कमज़ोरी होती है, सर में शदीद दर्द हो जाता है, नक्सीर जो है फट जाती है, मतलब नाक से खून आने लगता है, मतली होती है, कह आती है, लंबी लंबी बड़ी बड़ी सांसें लेना आप शुरू कर देते हैं, मतलब गैस्पिंग हो जाती है आपको। इसके साथ साथ आप गुनूदगी में भी जा सकते हैं, बहकी बहकी बातें भी कर सकते हैं, वो बहकी बातों की वजह तो कुछ और भी हो सकती है, लेकिन यू नो गुनूदगी में जा सकते हैं। और ये सब पानी की कमी की वजह से होता है, पानी की कमी, प्रोलॉन्ग आपने मतलब डिहाइड्रेशन पर रहे, ये पानी की कमी की वजह से होता है या कैटरीना कैफ की वजह से होता है, दोनों में से। हाँ, पानी की वजह से बहकी बातें भी करता है इंसान, नहीं पानी की कमी की वजह से आप लोग करते होंगे, मैं तो कैटरीना की कमी की वजह से बहकी बातें करता हूँ।